washed up. Don't want to believe it. Tough love, you take it or leave it. Washed up. Don't want to believe it. Assalamu alaikum guys, this is Waqas from. यार आज आप तमाम दोस्तों के लिए बड़ी कमाल की वीडियो लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में हम जाएंगे अपने सिटी की लोकल मार्केट में। हम उनसे ये पूछेंगे कि हमारे सिटी में कौन सा मोबाइल फ़ोन ज़्यादा सेल होता है, और भी बहुत ज़्यादा मज़े मज़े के क्वेश्चंस हैं। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि मोबाइल फ़ोन मार्केट की कंडीशन इस टाइम क्या है। अभी यार 2019 तकरीबन ख़त्म होने वाला, तो यार मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं जिसमें हम शॉपकीपर्स से डायरेक्टली बात करें और पूछें कि जितने भी लोग आपके पास एज आ कस्टमर फ़ोन लेने आते हैं उनके लिए कौन सी डिवाइस अच्छी है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जल्दी से स्विच करते हैं। पहली शॉप के ऊपर रास्ता जो है ना जाने का, वो हमने बिल्कुल स्किप कर दिया है, तो यार चलो पहली शॉप में चलते हैं। इस टाइम एक साल हमारा गुजर गया, अच्छे अच्छे फ़ोन आए 2019 में। सबसे ज़्यादा आपने कौन सा फ़ोन बेचा है, और अगर अब कोई नया बंदा लेने आता है फ़ोन, तो आप उसको कम पैसों में अच्छा फ़ोन दो जिसमें हर चीज़ अच्छी हो, कैमरा भी अच्छा हो, गेमिंग भी अच्छी हो, उसके अलावा ओवरऑल फ़ोन भी दिखने में प्यारा हो। तो आप ये इन सवालों का मुझे जवाब दे दें। हमारे पास पहले यानी कि सबसे बेस्ट चलता रहा है वीवो और ओप्पो, लेकिन इस वक्त वीवो और ओप्पो से भी ज़्यादा बेस्ट डिवाइस आई है रियलमी की, रियलमी फाइव इनका नया मॉडल आया, उसमें इनके कम प्राइस में इन्होंने बेस्ट स्पेसिफिकेशन दिया। 4GB रैम इन्होंने 25 की रेंज में मोबाइल इनकी दे दिया, कैमरा वगैरह भी उसके बहुत अच्छे हैं, लुक भी खूबसूरत है, बैटरी टाइमिंग भी 5000 mAh बैटरी है, और सेलिंग भी उसकी बहुत अच्छी है। इनके रियलमी का कम प्राइस में अच्छी डिवाइस उन्होंने दिया, ज़्यादा सेलिंग इस वक्त रियलमी की जा रही है। और लोग अगर लेना चाहें तो कौन सा फ़ोन रिकमेंड करेंगे आप? रियलमी सबसे बेस्ट है, रियलमी सबसे बेस्ट। और यार टेक्नो और इन्फिनिक्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, ये लेने चाहिए लोगों को? अच्छे फ़ोन है सस्ती कीमत में या बुरे हैं? नहीं, फ़ोन तो ये अच्छे हैं, लेकिन ये सस्ती कीमत में इसलिए है कि हर बंदे की पहुँच में है, ठीक है। तो इन्फिनिक्स और टेक्नो जो है ना, ठीक है, नॉर्मल रेंज में है, अच्छा फ़ोन है, बेहतरीन फ़ोन है, गलत फ़ोन नहीं है, बेहतरीन है, क्योंकि हर बंदे की पहुंच में है ना ये फ़ोन, इसलिए हर बंदा इसको लाइक करता है। तो सस्ते फ़ोन हैं, तो अभी टैक्स लग गए हैं, दूसरे फ़ोन जो ब्रांड है इंटरनेशनल लेवल पे, जो फ़ोन थे मल्टीनेशनल कंपनी जो थी ना, उन फ़ोनों की कीमतें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, उस वजह से इन्फिनिक्स और ये अपना टेक्नो की सेल जो है ना अच्छी है, ये हर बंदे की परचेज़ यानी कि आसान है इसमें। और यार ये बताएँ कि रियलमी और रेडमी ये क्यों नहीं सेल होते यहाँ? सर, जो रियलमी है और रेडमी है, रेडमी के फ़ोन अच्छे हैं, लेकिन उसकी यहाँ पर मार्केट वैल्यू नहीं है। यार इनकी स्पेसिफ़िकेशन किसी भी और आम मोबाइल फ़ोन ये जो 20-25 हज़ार के मिलते हैं, 30 हज़ार के, इनसे बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अभी Redmi Note 8 लॉन्च हुआ है, उसमें हमें मिलता है Snapdragon 665 30 हज़ार रुपये की प्राइस में, और यहाँ पे 30-35 हज़ार बल्कि 40 हज़ार से ऊपर की प्राइस में ये जो Oppo का नया फ़ोन आया था वो गेमिंग के लिए A920, उसमें हमें अभी भी कोई ख़ास चीज़ देखने को नहीं मिली। उसमें यही प्रोसेसर था और वो 46,000 का था। ये जो है ना रेडमी और रियलमी, ये सेल अच्छे हैं, लेकिन जो है ना लोग यहाँ पे इस वक्त ब्रांड्स को देखते हैं, नेम्स को देखते हैं। जैसे सैमसंग, आपने पहले देखा होगा, पहले दौर था सैमसंग का, उसके बाद आया हवावे का, अब दो चल रहा है ओप्पो का और वीवो का। कम रेंज में ये है, उस रेंज में लोग यहाँ पे स्पेसिफिकेशन नहीं देखते। तकरीबन 100 में से 80% लोग ब्रांड्स देखते हैं, 20% लोग स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। अभी पाकिस्तान में दो नए ब्रांड्स इंट्रोड्यूस हुए हैं इसी साल, ये मोबाइल फ़ोन ऊपर आए हैं, टेक्नो और इन्फिनिक्स। एज अ शॉपकीपर आप एक कस्टमर को ये फ़ोन्स रिकमेंड करेंगे, क्या ये फ़ोन्स अच्छे हैं या लेने चाहिए, लेने के काबिल हैं? क्योंकि कम पैसों में एक अच्छा फ़ोन हमें देखने को मिल रहा है, बाकी एज अ शॉपकीपर आपको बेटर पता है, इसके बारे में बता दें कुछ। जी, इस वक्त इन्फिनिक्स और टेक्नो ये दो नए ब्रांड इनके इस वक्त मार्केट में नए आए हैं, लेकिन इस वक्त जो इनका है ना इन्फिनिक्स का, टेक्नो की नस्बत इन्फिनिक्स के रिव्यूज़ वगैरह हमें बहुत अच्छे मिल रहे हैं, इनके सेलिंग भी इन्फिनिक्स की बहुत अच्छी है, उसके अलावा रिव्यूज़ वगैरह भी हमें बहुत अच्छी, कम प्राइस में इन्होंने जो स्पेसिफिकेशन दूसरी कंपनी में मिल रही है ना हमें 30 की रेंज में, वो इन्होंने हमें 20 की रेंज में इनके दिया, कम प्राइस में इनके, इन्होंने अच्छे मोबाइल दिए इन्फिनिक्स। आपने सबसे ज़्यादा किस कंपनी का और कौन सा कोई एक स्पेसिफिक मॉडल सेल किया है? इस साल में अब दो कंपनीज के मॉडल सेल किए हैं और सबसे ज़्यादा किए हैं, वो है एक तो है S1 वीवो का, जो जिसके बारे में मैं आपको पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ, एक वो एंड दूसरा ये स्पार्क 4 टेक्नो का। अच्छा यार 2019 में बड़े अच्छे अच्छे फ़ोन्स लॉन्च हुए मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशंस के साथ,
उसमें कैमरा ऊपर से निकलता था, कुछ की नॉच बड़ी प्यारी बनाई हुई थी, यू शेप वी शेप नॉच। आपकी शॉप में माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टॉक बढ़ा है। आपने सबसे ज़्यादा 2019 में कौन सा फ़ोन बेचा है या किस कंपनी का बेचा है? जी 2019 में सबसे ज़्यादा जो फ़ोन बिका है ना, जहाँ से सबसे ज़्यादा ब्रांड जो बिका है, ब्रांड फ़ोन की बात कर रहा हूँ मैं, लोकल लेवल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो लोकल कंपनी है, इन्फिनिक्स हो गया, टेक्नो आ गया, ये लोकल ब्रांड है, जो मल्टीनेशनल ब्रांड है, उसमें सबसे ज़्यादा सेल जो रही है ना वो ओप्पो की रही है। सबसे बेटर और सबसे बेहतरीन फ़ोन ये A5s बहुत अच्छा बिका है इनका फ़ोन, ठीक है ना, अच्छा ये नहीं कि हाइप क्रेप की है ना, भला बहुत अच्छा ये फ़ोन बिका है। उस वो रेंज भी इसकी नॉर्मल थी और इसका फ़ोन भी अच्छा था और मल्टीनेशनल ब्रांड है, पाकिस्तान का नंबर वन ब्रांड है ओप्पो। और सेल में पाकिस्तान पूरे लेवल पे आप देखें, यूट्यूब पे भी चेक करें तो आपको पता लगेगा कि सेल में पाकिस्तान का नंबर वन ब्रांड ओप्पो है। इन्फिनिक्स एंड टेक्नो, इनके फ़ोन्स यार कम प्राइस में मेरे ख्याल से या मेरे व्यूवर्स के ख्याल से अच्छे हैं, आपका इनके बारे में क्या ओपिनियन? हमारे इनके बारे में दोनों कंपनीज तो है अच्छी, दोनों कंपनीज है, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर जा रही है इस टाइम टेक्नो ज़्यादा, क्योंकि उसकी कम रेंज में स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छी दी गई है। जैसे 15,000 में हर किसी के अंदर परचेजिंग में नहीं होता 3GB 32GB, इसलिए लोग यूज़ में देखते हैं, अब उनको यूज़ की बजाय न्यू मिल सकता है इसका 15,000 में 3/32, 11,000 में 216, 8,000 में 116 विद फिंगरप्रिंट। इसमें यार कोई एक मॉडल रिकमेंड करते हैं जो बेस्ट हो इस रेंज में? अगर कम रेंज में इस टाइम तो बेस्ट चल रहा है स्पार्क 4 टेक्नो। स्पार्क 4 है मॉडल, ये भाई ने उठा के दिखा दिया। इसकी यार क्या है स्पेक्स? ये 3GB रैम है, 32GB है। ये कितने का? ये वो से आपको ये बनता है 16,000 की इसकी, यानी इसमें डिस्काउंट भी हो जाएगा 15,000 तक बन जाएगा। उसके आगे का अपकमिंग मॉडल आ रहा है, ये एक दो दिन में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, न्यू मॉडल है कैमरा नियर 2। ये 464 में है 5-hole डिस्प्ले में, इस रेंज में 5-hole डिस्प्ले मिलना बहुत मुश्किल की। 2019 में सबसे ज़्यादा कौन सी डिवाइस आपने बेची है? सबसे ज़्यादा हमने बेची है F11 Pro बेची है, फिर उसके बाद वीवो का V15 बेचा, अब रीनो का नया मोबाइल आया जिसके पॉपअप कैमरे में बड़ी उन्होंने लाइटें वगैरह दे दी हैं, जिसको लोग लाइक कर रहे हैं और उसकी रेंज भी रीज़नेबल है। वो कितने का आता है? वो अब है उसकी 60,000 रुपये इनवाइस है जिसमें उन्होंने निकाला है। टेक्नो और इन्फिनिक्स, ये फ़ोन्स इनके अच्छे हैं क्या, लेने के काबिल हैं या अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कि नहीं? ये जो है ना टेक्नो तो मेरे पास बिल्कुल तकरीबन कम सेल होता है, पड़ा हुआ है मेरे पास। इन्फिनिक्स अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी सेल किया है, इन्फिनिक्स खूबसूरत भी है, ठीक है, बैटरी भी उसकी अच्छी है और सेल भी ठीक है। आजकल बेकी हमारे पास इन्फिनिक्स ही रहा है, यानी ये कम पैसों में अच्छा जी कम, हाँ जी बिल्कुल इसी तरह। अब इसमें 2019 में सबसे ज़्यादा किस कंपनी के फ़ोन आपने बेचे हैं? मैं सबसे ज़्यादा बेचे हैं जी ओप्पो के भी बेचे हैं और आजकल जो इन्फिनिक्स के बेच रहा हूँ। ठीक है, इस बारे में हम बता दें कि सबसे ज़्यादा किस फ़ोन की, किस ब्रांड की सेल हुई है? मैं आपको बताऊंगा, जो मार्केट चलती है वो चलती है क्वार्टर वाइज, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, ठीक हो गया। जो फर्स्ट क्वार्टर है उसके अंदर तो ओप्पो ने बिज़नेस बहुत अच्छा किया है F11 ने, ठीक है। जो सेकंड क्वार्टर है उसके अंदर आपका हुआवे ने बिज़नेस बहुत अच्छा किया, ठीक है। जो थर्ड क्वार्टर है हमारा, ठीक है, उसमें इन्फिनिक्स और टेक्नो ने बहुत अच्छा बिज़नेस किया, मतलब क्वार्टर वाइज है चल रहा है। ये नहीं है कि एक साल ही किसी एक ही ब्रांड का दौर है, वैसा नहीं रहा, चेंज होता रहा, हर 3 महीने 2 महीने बाद कोई ब्रांड उठा कोई नीचे होगा। आप सबसे ज़्यादा कौन सा फ़ोन बेचे? सबसे ज़्यादा मैंने जो बेचा है वो एक तो है Y9 Prime 2019 बेचा है, ठीक है। उसके बाद इन्फिनिक्स का S4 बहुत ज़्यादा बेचा, उसके बाद ओप्पो का बेचा मैंने A3S। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको मुकम्मल तौर पर सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर लेकर देने की। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उनसे ठीक तरीके से बात कर पाऊँ, उनसे सारी बात निकलवा पाऊँ। अब आपने अंदाज़ा लगाना है कि आपने कौन सा फ़ोन लेना है और कौन सा फ़ोन नहीं लेना। और यार हाँ, मुझे लगता है इस तरह की वीडियोज़ और बनानी चाहिए, अगर बनानी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि मैं और वीडियोज़ इस टॉपिक पर बनाऊं या ना बनाऊं। ओके गाइस, नए हो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो कमेंट करके लाजमी जाना। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।